सरकार को टैक्स ना देने के मामले में पुलिस शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सीआईडी पुलिस ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 13 बसों के चालान किए हैं और 6 बसों को इम्पाउंड किया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरटीए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी विभाग की टीम के साथ रात को टोल प्लाजा पर नाका लगाया, जिसमें 13 बसों के चालान किए हैं और 6 बसों को इम्पाउंड किया गया है। बस चालकों ने हरियाणा राज्य का टैक्स नहीं भरा था, जिसमें उन बसों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान तथा पंजाब की बसें दिल्ली जाने के लिए हिसार के रास्ते से गुजरती थी, जो कि टैक्स चोरी कर रहे थे। 13 बसों का चालान भी किया गया है। कल मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा लगभग सारे हरियाणा में नेशनल हाईवेज पर अवैध रूप से जो बसें दूसरे राज्यों से हरियाणा को क्रॉस करती हैं, सवारियां ढोती हैं और हरियाणा का टैक्स चोरी करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस संबंध में हिसार में भी कार्रवाई की गई, एक्साइज डिपार्टमेंट कहीं टैक्स चोरी ना कर रहे हैं उनको साथ लेके आरटीए और जीएम रोडवेज, साथ में ही ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे, इन विभागों के भी अधिकारियों को साथ लिया गया था। रात्रि के समय लगभग इन बसों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त होने पर समय रात्रि का ही रखा गया था, जो इस संबंध में 11:30 बजे कार्रवाई स्टार्ट की गई थी और सवेरे 5:30 बजे तक ये कार्रवाई जारी थी। हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट, आज न्यूज़।